हेलो एवरीवन, अगर आपको भी इस तरह नागिन वाला वीडियो बनाना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा कि इस तरह के नागिन वाले वीडियो कैसे बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, वो रिकॉर्डिंग कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये रिकॉर्डिंग के बाद आपको आगे क्या करना है, आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन में जाने का है। यहाँ पर आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने वीडियो के साइज के हिसाब से साइज को सेलेक्ट कर लेने का है। उसके बाद आपको यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन दिख रहा है, आपको मीडिया में जाने का है, और जो भी आपने रिकॉर्ड किया हुआ है उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आगे आ जाने का है, फिर यहाँ पर प्ले करके दिखना है। फिर ये झुकेगा, आपको यहाँ पे स्टॉप करना है। फिर आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेने का है। आप इसको सेलेक्ट कीजिए और आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। पहले वाले ऑप्शन में क्लिक कीजिए, आपका स्क्रीनशॉट आ गया है। अब इस स्क्रीनशॉट का, आपको इस इमेज का आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है उसका भी मैंने पहले से वीडियो बना के रखा हुआ है। आप चाहे तो मैं आपको आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो ऊपर से वो देख सकते हैं, और चाहे तो मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है। आप रिमूव करके आ जाइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है आगे। यहां पर आपको इसको पहले स्प्लिट करना है बीच में से। आप पहले ये वाला सेलेक्ट करेंगे वीडियो को, फिर ये ट्रिम में जाएंगे, फिर स्प्लिट एट प्ले हेड इसमें क्लिक करेंगे, ये स्प्लिट हो गया है। उसके बाद ओके करेंगे, फिर आपको आगे जाना है। जहाँ पे आपका खाली वाला भाग है आपको वहाँ का भाग रखना है, और आगे वाला भाग को डिलीट कर देना है, ट्रिम कर देना है। ठीक है, तो देखिए मैं ये वाला भाग यहाँ आगे वाला तक रखता हूँ। ठीक है, ये खाली वाला भाग, फिर बाकी का आपका ये ट्रिम कर दूंगा मैं, राइट साइड में ट्रिम कर दिया। ओके, फिर ओके करना है। इसके बाद आपको लेयर में जाने का है, फिर मीडिया में जाने का है, फिर आपको वो फाइल सेलेक्ट करने का है जिसमें से आपने, जिस कैप्चर का आपने बैकग्राउंड रिमूव किया था। रिमूव बैकग्राउंड वाला सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करने का है, पहले इसको आपको जूम करना पड़ेगा, थोड़ा जूम करके सेट कर लीजिए, ताकि आपके आगे वाला जो है जो आपको ओरिजिनल लगे, ये जूम करके सेट कर लीजिए। मैंने इसको जूम कर दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ओके कीजिए, फिर ये वाला सेलेक्ट कीजिए। बाद आप यहाँ पे चाबी देख रहे होगे, चाबी पर क्लिक कीजिए। ठीक है, फिर आप थोड़ा आगे ले जाइए। आगे ले जाने के बाद आप इसको प्लस कीजिए, प्लस करने के बाद आप इसको वापस से छोटा कर दीजिए, जितना छोटा होगा छोटा कर दीजिए। फिर आप उसको थोड़ा नीचे में ले जाके सेट कर दीजिए, जहाँ पे आप खड़े थे वहाँ पे। और सेट करने के बाद आप इसको ओके कर दीजिए, फिर इस कैप्चर का वापस सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद इसको और छोटा कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, ऐसा और छोटा कर दीजिए। ठीक है, जितना छोटा होगा कर दीजिए। ये छोटा हो जाने के बाद आपको वापस से ये ओके करना है। छोटा करने के बाद आपको लेयर में जाने का है, फिर मीडिया में जाने का है। मीडिया में जाके आपको वाइट फ्लैश का PNG सेलेक्ट करने का है। उसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने ऐसा आएगा, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे जाना है। नीचे में जाके आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। फिर नीचे में जाने का, फिर स्क्रीन दिख रहा है उसको क्लिक करना है। इसको आप कितना छोटा कर सकते हो पहले छोटा कर दीजिए। ठीक है, वो छोटा होने के बाद आपको यहाँ पे इसको बीच में ला देने का है। ठीक है, छोटा करके आपको नीचे लाना है, फिर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ओके करना है। फिर यहाँ पे जो आपका ये वाला है
इसको भी छोटा कर देना वापस से, थोड़ा छोटा कर दीजिए, इतना दूर रखिए थोड़ा, ठीक है। ये रखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वापस ओके करना है, फिर यहाँ से आपको लेयर में जाना है, फिर वापस मिंडा में जाना है, फिर वहाँ से आपको ग्रीन स्क्रीन का स्नैक मिल जाएगा, वो सेलेक्ट कर लेने का है। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये ग्रीन स्क्रीन आ जाएगा। आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे नीचे जाना है, क्रोमा की करना पड़ेगा, इसको इनेबल कीजिए, और आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लाइट ग्रीन दिख रहा होगा, आपको इसको यहाँ पे ये वाला एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा, ये सब जाके यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से भी नहीं हुआ, आपको यहाँ डिटेल कर्व का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पे भी जाके आप कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा कर लेता हूँ, पहले एडजस्ट दिखना चाहिए वैसा, देखिए मैंने कर लिया है थोड़ा, ठीक है। ये होने के बाद आपको क्या करना, ओके करना है, उसके बाद आपको इस इमेज को वापस सेलेक्ट करना है, वापस इसको आपको छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद आपको ये वाला नीचे में ला देना है, यहाँ नीचे ला देंगे, ठीक है, जितना छोटा होगा छोटा कर दीजिए। ये होने के बाद आपको यहाँ पे चाबी दिख रहा होगा, वापस चाबी में जाना है, फिर आपको थोड़ा आगे बढ़ाना है, जितना आपको लगता है उतना बढ़ा दीजिए आगे। आगे बढ़ाने के बाद आप इसको प्लस में क्लिक कीजिए, प्लस में क्लिक करने के बाद आप इसको बड़ा कर दीजिए, कितना बड़ा होगा उतना बड़ा कर दीजिए, ऐसे बड़ा हो जाएगा, फिर आप ये ओके कर दीजिए, फिर आप इसको वापस शुरू से देखिए, देखिए आपका वीडियो बन के रेडी हो चुका है। इसमें आप म्यूजिक भी डाल सकते हैं, जो म्यूजिक रहेगा उसका लिंक भी मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। म्यूजिक डालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको ऑटो में जाना है, फिर वहां से आपको उस म्यूजिक को सेलेक्ट कर लेने का है, उसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं कर लेता हूं ऑटो में जाके, देखिए मैंने म्यूजिक सेलेक्ट कर लिया है, अभी आप इसको प्ले कीजिए। ठीक है, ये वीडियो बन के रेडी हो चुका है। अब आप क्या कीजिए, ये शेयर आपको दिख रहा है, शेयर में क्लिक कीजिए, फिर आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, एक्सपोर्ट कर लीजिए अपने हिसाब से, आपका वीडियो बनके रेडी हो जाएगा। दोस्तों आई होप आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।